सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर भाई म्याल और इस वक्त मैं दोबारा पहुंचा हूं बागेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी में, जहां जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो है दोबारा कंटेम्पररी
ट्वेंटी फाइव मंडल से रहा। तो भैया ये है बागेश्वर के बच्चे जो है जिनको जो है जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो है इसके बाद मैं एक सोचता हूँ और आप तक पहुँचा दूँ सभी लोग ध्यान रखा। कल यहाँ पर दो प्रतियोगिताएं और हो रही है, मेहंदी प्रतियोगिता दो वर्गों में जूनियर और सीनियर, और एप्पल प्रतियोगिता जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी आयोजन दुर्गा पूजा समिति के द्वारा यहाँ पर होना है। वो दो वर्गों में होती होगी जूनियर और सीनियर, और जो हमने 20 सितंबर को 18 तारीख को यहाँ पर स्वर्गीय श्री किशोरलाल वर्मा जी के स्पीच में आध्यात्मिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया गया था, और आज की इस प्रतियोगिता का जो आयोजन आपके सामने हो रहा और कल जो प्रतियोगिता यहाँ पर होगी इन सभी प्रतियोगिताओं का कल साय दुर्गा पूजा पंडाल में यहाँ पर की जाएगी। मैं सभी विजयी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग यथाशीघ्र और यथासमय पुरस्कार वितरण में समिति को अपना सहयोग देंगे। और पांचवा नंबर पर आ रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर कठहरपाड़ा बागेश्वर, आपका जो विषय है नंदा राजजात यात्रा, ये विद्यालय मैं जज से नोट करें नंदा राज यात्रा, और विद्यालय का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर कठहरपाड़ा। कौन सी स्कूल से हो? आनंदी एकेडमी, क्या बात है। प्रशांत सर है उसमें, वो वाले आनंदी है। और जब तक बात की तैयारी कर रहे हैं मैं एक और दे दूं आपको, हमारे विशेष आयोजन जो दुर्गा पूजा समिति आज अपने 40वें वर्ष में यहाँ पर प्रवेश कर रही है, इस दुर्गा पूजा का प्रारंभ हमने यहाँ पर 1984 में एक छोटे से स्तर पर किया था। हमारे नजदीक का स्वराज्य भवन है वहाँ पर हमने इसका शुभारंभ किया। उस समय स्वतः ही हम लोगों ने अपने हाथों से मूर्तियां बनाई, सिंगल मूर्तियां बनाई थी, और आज उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए हम आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि बागेश्वर का अष्टमी का जो हमारा विशेष आयोजन है वो शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा आयोजन आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अष्टमी के दिन हमारे जो कार्यकर्ता दिन भर मेहनत करके आपको भव्य गंगा और दीपदान का जो आयोजन हम लोग यहाँ पर करते हैं उसमें हमारे सभी समिति के कार्यकर्ताओं का और बच्चों का मनोबल बढ़ाने आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएंगे। ये हमारा विशेष आयोजन है, और नवमी को हम यहाँ पर दिन में हवन के पश्चात सायंकाल को यहाँ पर भव्य भंडारे का भी हम लोग आयोजन करते हैं, उसमें भी आप लोग माता का प्रसाद चढ़ने का भी कृपा करेंगे। तो बच्चे रेडी बाकी सूचना मैं आपको पहुंचाता हूँ। ये हमारे सरस्वती शिशु मंदिर कठहरपाड़ा के बच्चे विषय नंदा राज यात्रा। देवी माई सुनो मैं तो मुझे तेरा साथ में गाऊं दूर दूर रूनी माई तेरा साथ में लग गया गुंजो रूनी दे माई चौमी का चिलचिल भावनी का भी हाई तेरा साथ में लग गया गुंजो रूनी दे माई चौमी का चिलचिल भावनी का भी सुन भगवान तेरा साथ में मान पाती भराड़ी देवी घुमरा घर की भगवती शिकार मुलायम रहा बने सन का नौली आठी कालिका मूर्ति हालिका नंदा हिमाली गंजी कर देवी तेरा गोता भैरव कोटि का कुलवा की नंद सिंह या मैं दूरी नेत्र में कमल देवी जानी री लागी काली सेवा तुलसी कर देवी भगवती मैया उदगाड़ी की देवी मैया देवी भगवती मैया उदगाड़ी की देवी मैया दैनी है जाए दैनी है जाए भगवती मैया उदगाड़ी की देवी मैया
और बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल उसका सब समय था जो हमने यहाँ पर निर्यात किया था। सिर्फ 8 मिनट में आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम दिया। इसके बाद आ रही है आनंदी एकेडमी। आनंद एकेडमी देखो बहुत जबरदस्त अब जो है प्रोग्राम है आनंदी एकेडमी का। ये बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं और देखते हैं यार इस बार जो है कुछ विशेष। यहाँ जो है सब बच्चे जो है एक से बढ़कर एक है। आपका विषय है नौ दुर्गा और मैं एक सूचना आप तक भी पहुंचा दूंगा। हमारे जो हमने घर का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की थी उनमें विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापक थे, मैं उनके नाम भी आप तक पहुंचा दूं। जो लोग अभी देख रहे हैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें हमारे उत्तराखंड में चलने वाले कोई भी रीति रिवाज जैसे झूला चाचरी इत्यादि हर वर्ष कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन इस बार जो है इन्होंने माताओं माँ दुर्गा है उनसे संबंधित सारे कार्यक्रम करने की कोशिश की है। जिसमें आप पहले इवेंट वाले माता सरस्वती के बारे में बताया और उसके बाद जो है फिर जो है नंदा राजा का और अभी जो है मजदूर का दिखाया और अब जो है देखते हैं आनंद एकेडमी। आप इन सभी अध्यापकों ने हमारे इस आयोजन के सफल बनाने में बच्चों की कॉपी अच्छा करने में हमारा सहयोग दिया। उनका पता समझ लिया आप सभी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करती है अभिनंदन करती है। लीजिए प्रस्तुत है आनंदी एकेडमी पंचकुला के बच्चे। आनंदी एकेडमी पंचकुला के बच्चे क्या बात है। जय माता दी नमस्तंगिकाय मातंगेय उवाच प्रियं ब्रह्मचारिणी प्रियं चंद्रघंटेति मांडेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमते लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानों ने चुनौती दी। उनमें से एक था ब्रह्म भक्त दैत्यराज महिषासुर। उसका विनाश किसी देव दानव या प्राणी से नहीं केवल स्त्री के हाथों में। यहाँ देव त्रिदेवों ने एक शक्ति का निर्माण किया जिसका स्वरूप कुछ इस प्रकार था। पैरों की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी विष्णु जी ने किए भुजाए बना, शिव जी ने दिया मुखमंडल, अग्निदेव ने किया आंखों का निर्माण, इसी प्रकार देवी भगवती का निर्माण। विनोदिनि नन्दिनुते निरुवरलिङ्गशिरोदि निवासिनि विष्णु विनाशिनि तिरुमुरुः भगवति देशिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यककर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दिनमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते निवासिनि विष्णु विनाशिनि।
श्रीमती ममता पंत दो गुजार बागेश्वर वालों के द्वारा उनको 100 रुपए का नगद इनाम दिया गया और इस बच्चे को यहाँ पर मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अपना पुरस्कार ले जाए। तो कालिका जिसने कालिका का जिस बच्चे ने कालिका का करेक्टर किया था बाड़ा की जो बच्ची है इसको श्रीमती ममता पंत के द्वारा 100 रुपए नगद दिए गए हैं। दो डाल ताने एक बार बच्ची के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको ये पुरस्कार राशि दे रहे हैं। बहुत अच्छा अभिनय इन बच्चों के द्वारा किया गया और उम्मीद करते हैं आगे भी अगले वर्ष हम इसको और बृहद रूप में यहाँ पर करेंगे ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे प्रायोजक जो हैं श्री नवीन सिंह परिहार जी और उसमें श्रीमती खुशी परिहार जी आपके सहयोग इस प्रकार में रहे। आज जो है हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार जी आए हैं और उनकी श्रीमती हमारी भाभी जी परिहार जी आई है। तो मैं बुला रहा हूं प्रसाद स्तर पर जो भाभी हैं आनंदी एकेडमी गिरौल के बच्चे आनंदी एकेडमी गिरौल कल यहाँ पर इन सभी आयोजक प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण भी होना है। कल हम शाम इसी पंडाल से 7 बजे पुरस्कार वितरण भी यहाँ पर करेंगे और कल दिन में 2 प्रतियोगिताएं हैं। ऐसा मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि जिसने भी अपना नाम वितरण नहीं दिया हो कृपया वो अपना नाम वहां तक पहुंचा दें। जो प्रस्तुत की यहाँ पर जजेस के ऊपर ध्यान देंगे जो बच्चे आ रहे हैं आनंदी अकेडमी किरौली के बच्चे और बच्चे बहुत है दोनों दो हजार तालियां भी लोगों ने आप लोग बजाएंगे। बहुत अच्छा आयोजन और बहुत अच्छे तैयारी इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत अच्छी तैयारी के द्वारा की गई है। ये बच्चे क्या बच्चों बैठ जाओ आगे बैठ जाओ। हेलो बेटा हेलो हेलो चेक हेलो माइक टेस्ट हेलो 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 बेटा बैठ जाओ आगे अरे बैठ जाओ मैं हाथ जोड़ता हूँ बैठ जाओ यार नहीं नहीं अब सब देख रहे हैं यहाँ से नहीं दिख पाएगा। आगे भी चले जाता हूँ वहाँ से नहीं दिखेगा ना दूर से बढ़िया दिखाई देता है।
एकेडमी करौली का भी जो है महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका उनका विषय है, महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका। राक्षसों का राज होगा, सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, गांव में छिपेगा कहां पे बचेगा।
बहुत सुंदर प्रस्तुति जो का भाई बता दें बच्चों की और हो जाए। और आज ये आपने प्रस्तुति दी और संजय जी का जिन्हें कि हमारे इसके लिए मोटिवेट किया कभी अभी ममता पाठ जी मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। दीपांशु कैसा लगा? अच्छा। दोनों कैसा लगा बेटा? तुम्हारे स्कूल वालों का हो गया था है? हेलो सारे गामा कैसा लगा? ये बता भावनाओं को व्यक्त मत करो, ये बताओ कि कौन जीतेगा, फर्स्ट कौन आएगा? धोनी मेरे दोस्त आप बताओ फर्स्ट कौन आएगा? मेरे हिसाब से कंट्री वाइड या आदर्श पंचोला वैसे कोई शिशु मंदिर चौराहे कौन सा शिशु मंदिर कौन सा आएगा? आनंदी आएगा पंचोला फर्स्ट आनंदी पंचोला या कंट्री वाइड कटहरपाड़ा? क्या बात है बताओ यार, मतलब आनंदी एकेडमी का मुझे भी ज्यादा अच्छा लगा और उनका भी जबरदस्त था कंट्री वाइज का। कुल हो दुर्गा माता की जय, कुल हो भगवती माता की जय, कुल हो भगवती माता की जय, कुल हो बाबा भागनाथ की जय, बोलो बाबा भागनाथ की जय, बोलो कवि भक्तानंद की जय। ऐतिहासिक और पौराणिक बाबा भागनाथ की इस पावन भूमि पे दुर्गा पूजा महोत्सव 2023 में उपस्थित सभी भक्तजन एवं दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्य आए हुए सभी विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चे आप सभी को मैं नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य एवं आपसी भाईचारा बढ़े। और जिस तरीके से आज यहाँ पर सभी बच्चों ने अपने प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित किया, मैं आप सभी बच्चों को विशेष धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके द्वारा आज इस कार्यक्रम में जो चार चांद यहाँ पर लगाए गए हैं विशेष बधाई के पात्र आप सभी बच्चे हैं। और हमारे बागेश्वर के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया गया है इसी तरीके से हर वर्ष इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में मेरा पूर्ण सहयोग दुर्गा पूजा कमेटी को रहेगा। और ज्यादा का कहते हैं एक बार पुनः मैं आप सभी को नवरात्रि की दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। तो ये थे बागेश्वर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन बरिहार जी, इनका हर वक्त मतलब ये कोशिश रहती है हमारी संस्कृति हमारी धरोहर उसके लिए हर वक्त अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और इनकी एक बात यह है कि ये चाहते हैं कि मेरा नाम कहीं आए, तो ये बहुत विशेष बात है कि आप जो है कार्य भी करते हैं। मैं निवेदन करूंगा राजन जी कलराज जी और हमारे सभ्य के संरक्षक श्री नवीन शाह, कृपया वो आपसे हमारे जो मुख्य अतिथियों के संयुक्त रूप से प्रति कृपा करेंगे श्री राजन जी कलराज जी और संरक्षक नवीन शाह। और मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन दुर्गा पूजा की कमेटी की महिला अध्यक्ष कमला बछड़ा जी, सचिव
और कमला पशुरा जी, चंद्र उपाध्याय जी, जय जोशी जी और संयोजक माता रावण जी के प्यार हमारे विशेष विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित श्रीमती खुशी परिहार जी, आपको भी ये हमारा जो प्रतीक सांस्कृतिक प्रतीक है पिछौड़ा ओलागर सम्मानित करने की कृपा करेंगे संयुक्त रूप से हमारे महिला कमेटी के सक्रिय सदस्य। और मैं पुनः दुर्गा पूजा समिति की ओर से हमारे जजेज जो निर्णायक मंडल के बोलीगर सदस्य हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका हम बोले जय हो। अरे भाभी जी यहाँ देखो तो ओ माय गॉड यहाँ पर आओ ना क्या रो और मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ अपना मोबाइल दो तो इसमें उतना साफ नहीं श्रीमान हरीश पिची जी कैमरा ऑन करिए प्रोपराइटर बागनाथ टेंट हाउस बागेश्वर की आपके द्वारा बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था यहाँ पर हमारे बच्चों को प्रदान की गई है। उसके लिए दुर्गा पूजा समिति दिल से आपका आभार व्यक्त करती है और उम्मीद करते हैं कि बहुत समय से इस प्रकार का आयोजन सहयोग आपके द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। धन्यवाद। हाय गुनो आओ चलो आगे को चलते हैं ऐसे करके और उधर देख के आजा बेटा कमेटी के। तो अब जो मैं चला आगे को तो यार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है। हेलो जय माता दी जय माता दी पंकज ओ दादा नमस्कार गुरुजी प्रणाम जा प्रसादी ले ले और यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम के प्रायोजक यार आप जरा भैरव न ज्यादा देख उन्होंने ना आगे आओ बेटे आगे चलते रहो दादा नमस्कार जय माता दी आप सभी का यहाँ पर स्वागत है एवं दुर्गा पूजा समिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आओ बच्चे चलो हैं आगे को चलते रहो अभी रात लीला चलेंगे इधर को आओ इधर को तो यह है रामलीला मैदान क्या बात है एक से एक दुकाने हैं। ये पहले से अड़ जाता था यार और वो दूर जो है रामलीला हमारा भवन है और यहाँ रामलीला होती है ये बात तो बैग मेरा वो तो नहीं हो रहा ना ठीक है ना हाँ हाँ चलते हैं थोड़ा यहाँ डांडिया होता है वो कहाँ तू करोगे नमस्कार हाँ यार हमने भी नहीं देखा है कैसा लगा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे पर भैया को प्यार भरा नमस्कार मुझे ये बताओ कौन से चैनल में लोग देख पाएंगे
कौन से चैनल पे? यूके बेबो व्लॉग्स में। देखो यार, और महिमा भैया के उसमें लाइव आपने देख चुका? हाँ देख चुका। अगर आप इसको और बढ़िया करके देखना चाहते हैं तो हमारे भाभी जी का चैनल है यूके बेबो व्लॉग्स। क्या बात है। हेलो बच्चों, कैसा रहा? मुझे बताओ फर्स्ट कौन आएगा? पक्का ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल शिशु मंदिर या कौन सा? नमस्कार, जय माता दी। आपको भी बताइए, आपने वो कार्यक्रम देखे तो सबसे अच्छा किसका रहा? क्या बात है, सब नंबर वन ना। बाप रे, बहुत अच्छा किया, नंबर वन है। लेकिन मैंने जो वो देखा ना, अभी मैं वो देख रहा था दूर से, उनका शायद वो कंट्री वाइड का है। मंडल शिशु मंदिर, क्या बात है विवेकानंद, क्या बात है विवेकानंद, विवेकानंद ना, हम विवेकानंद पढ़ते हैं। क्या बात है यार, जलवे हैं यार लोगों के। और क्या हो रहे हैं? माता जी कहाँ? माता जी गए। अच्छा, आप बताओ। बस यार ठीक है यार, मैं ये लाइव कर रहा था, अभी वहाँ जाना है हमें। अब हम एक जगह आए थे तो हमने कहा यार माता का इतना बड़े, हाँ यार रामलीला का, उसकी तैयारी चल रही है। जय माता दी यार। ये देख, जय हो रोहित भैया, क्या बात है यार। दीपांशु लो प्रसादी ले लो बेटा, गणेश भगवान। आओ फील्ड दिखाते हैं आपको। दादा नमस्कार, क्या रहा है दादी? आओ बच्चों, सही बात। और यहाँ जो है शंभु निशंभु बनाए गए हैं ये, तो लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं। हाँ चलो क्विक एंड फास्ट चलो। हे बाला ठीक भी चलो। हाँ अमीना, बाला झूला खाली है। हमारा स्कूल देखो, माय पापा क्या लिख रहे हैं, जय माता दी पर। हेलो पापा, हेलो। सुनो मजा आ रहा है। चल रहे हैं अभी, ठीक है। ये था।